तो देखा आपने वेदर कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आपने देखा मम्मी अभी लगा रही थी एक फेस पे सीरम। तो मैंने आपको दो तीन दिन पहले बताया था ना कि मेरा कुछ प्रोडक्ट आया है जिसमें से ये बॉडी क्यूपिड का सीरम था। तो मैं इसको यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी आप भी इसको यूज़ करिए, क्योंकि ये आपको पता है एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा सीरम है, विटामिन है। तो चलिए मैं आपको इस सीरम के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें बता देती हूँ, डिटेल बता देती हूँ। मैं आपको बता रही थी बॉडी क्यूपिड का फेस सीरम, ये है वो सीरम जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं तो देखिए ये है उसकी पैकेजिंग, बहुत ही लग्जूरियस सी पैकेजिंग है। देखिए ये कोई ऐसे इसका बॉक्स है और जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये ऐसे ओपन होता है ये, और इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट था वो अंदर ऐसे रखा हुआ था। तो मैं तो ईगरनेस में बहुत एक्साइटेड थी इस मतलब प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, तो मैंने ये प्रोडक्ट ऐसे निकाल लिया था। 5-6 दिन पहले आ गया था, 4 दिन पहले, तो मैंने इसको वॉश करके सैनिटाइज करके यूज़ किया है। मैं इसको रेगुलर जब से ये आया है तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस सीरम की, अगर इस सीरम की फ्रेग्रेंस की बात करें तो ये फ्रेग्रेंस में बहुत अच्छा है। इसके टेक्स्चर की बात करें तो टेक्स्चर में बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका टेक्स्चर, एकदम स्मूथ सा टेक्चर है। और जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो वो एकदम क्विक, मतलब 1 सेकंड में आपके फेस पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने क्या लगाया है, बिल्कुल आपका फेस स्टिकी नहीं होता है और आपके अंदर से बहुत ही अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर जो फ्रेग्रेंस आती है ना, तो अगला बंदा आपके पास से जब निकलेगा तो बहुत ही अच्छी सी उसको फ्रेग्रेंस आएगी। तो ये इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये प्रोडक्ट। तो अब मैं आपको बता देती हूँ प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। तो इसकी जो नेट वॉल्यूम है वो 30 ml है और जो इसका प्राइस है वो 699 rupees है। बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहां से एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा कि ये हो सकता है कोई ना कोई ऑफर में हो। तो बता देती हूँ कि सीरम कैसे यूज किए जाते हैं। जब आप सीरम यूज करने के लिए आपका फेस एकदम बेयर होना चाहिए, जब आप नहा के आते हैं या शावर लेके आते हैं या फेस वॉश करते हैं या फिर आप कोई फेस पैक अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको इस सीरम की कुछ ड्रॉप लेनी होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपको कुछ ड्रॉप लेनी होती है अपने बेयर फेस पे, जैसे अभी मम्मी ने आपको लगा के दिखाया था स्टार्टिंग में। तो ये इस तरह से आपको अपने फेस पे अप्लाई करना होगा और आपका फेस ये देखिए एकदम एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसकी स्मेल तो माइंड ब्लोइंग है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और देखिए मैंने लाइव आपको दिखाया है, बिल्कुल वीडियो कट नहीं किया है, एकदम इसमें मेरी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो गया है और स्टिकी तो है ही नहीं। तो आप चाहें तो आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये ऑल स्किन टाइप है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी स्किन टाइप के हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है ककाडो प्लम एक्सट्रैक्ट और हाइलोरोरिक एसिड। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को एकदम से जनरेट करते हैं। आपकी स्किन में अगर फाइन लाइंस हो गई है, आपकी स्किन डल हो गई है, तो ये उसको रिमूव करता है और रिपेयर करता है। तो फ्रेंड्स अभी अचानक से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश वाला। अभी शाम हो गई है, शाम के 5:30 बज रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम, एकदम अंधेरा हो रहा है यहाँ पे और अंधेरा हो गया है। दिखाती हूँ मैं आपको बाहर विंडो का व्यू, दिखाती हूँ यहाँ पे कि आपको ये पेड़ दिख रहा होगा ना, ये मदार का पेड़ है, हिल रहा है ना, हवा चल रही है, एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया है। ये मेरी विंडो के बैक का सीन है, आपको आज मैं पहली बार दिखा रही हूँ। छत पे चल के दिखाती हूँ थोड़ा सा ऊपर का मौसम कैसा हो रहा है। अभी पीहू भी ऊपर है, पीहू
कहाँ है? तुम अकेले क्या कर रहे हो? कहाँ गई दीदी? चली गई कपड़े लेके। नीचे गई? नहीं उधर माँ के लिए गई। अच्छा अच्छा आइए दीदी जी। फ्लैग अभी भी लगा हुआ है ये देखिए। ये पेड़ हमारे बचपन का पेड़ है ना, ये जो पेड़ लगा हुआ है बचपन से पेड़ है हमारे यहाँ, और ये अभी इतना बड़ा हो गया हम लोग इतने ही रह गए। तेज हवा आ रही है। तो देखा आपने वेदर कितना ज्यादा अच्छा हो रहा है, मौसम अच्छा हो गया है बारिश वाला, और मैं छत पे आ गई। मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा छत का वेदर दिखा देती हूँ। आंखों में धूल जा रही है। चले चलो। अरे यार मालिश करने दो उसको। क्या कर रही हैं? मालिश कर रही मामा। बोल बोल इसके ठंडा ठंडा तेल लगाई और उसकी उसको लग रहा आंखों में ये अपना आगे। हाँ ये अपना भी कर लेगी। नहीं ऐसे करेगी। लग रही है, लग रही है। चलो जल्दी चलो मालिश करो। देखे मामा के कैसे मालिश करती है पीयू। जल्दी से मालिश करो फिर। करके दिखा जल्दी से पीयू। बना रही है मम्मी। वेरी गुड वेरी गुड। बना देती है, कर देती है। डैडी के भी करती है। ये देखो मन करके छोटू के आईज में लग रहा है क्या? अरे मैं पीयू के आईज में लग रहा है देखो। मामा के मालिश कर दी ना पीयू? कर दी अच्छे से चंपी। क्यों किया, क्या हुआ मामा को? मामा के सर में दर्द हो रहा था, दर्द हो रहा था इसीलिए मैंने। और वहाँ बारिश हो रही है, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, तुम चली नहीं रही। कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? आओ आओ दिखाएं फिर। चलो आओ लखो भाई पहनो। चलो चले आओ दिखाएं। यही गेट पर यहीं से दिखा, यहीं से देखिएगा। खड़ी हो इधर। आइए चले नीचे। तो आपने देखा वेदर कितना अच्छा हो रहा है, और बस अब हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं। वैसे पीयू का मन नहीं हो रहा था नीचे उतरने का, बट जब उसके नानू ने आवाज़ लगाई तो वो बहुत तेज़ी से भागी है कि हाँ चलो चलो नीचे चलो, नानू आवाज़ लगा रहे हैं। तो चलिए नीचे चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये आपकी आवाज़ सुन के नीचे आई है, नहीं आ रही थी पिकारी। चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं और मम्मी का किसी का फ़ोन आ गया था तो वही यहाँ पे बात कर रही हैं, और यहाँ पीहू अपना डांस कर रही थी फ़ोन में गाने लगा करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और इधर पीहू अपनी नन्नू को भी बुला ली है और वो दोनों लोग साथ में डांस कर रहे हैं। और यहाँ पे वो वाला सॉन्ग चल रहा है, साखी साखी वाला जो सॉन्ग है, पीहू हमेशा जिस गाने में डांस करती है वो साखी साखी रे सा। मैं बहुत गंदी मतलब सिंगर हूँ, बाथरूम सिंगर टाइप हूँ, तो इसलिए मैं गाना तो नहीं गा रही हूँ, और मैंने गाना भी नहीं ऑन किया है वरना कॉपीराइट आ जाता। सड़क पर नकुरत खाए सा उकड़ के।
तो चलिए डांस गाना मस्ती तो बहुत हो गई और आज की पार्टी मेरी तरफ से है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज मिस्सी रोटी, साथ में आलू मखा सॉरी पनीर मखाने की सब्जी। तो इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप आटा लिया है। आपको बराबर मेजरमेंट रखना है और इसमें डालेंगे प्याज, थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा हल्दी, हरी धनिया, हरी मिर्च और ये है जीरा और साथ में धनिया खड़ी वाली, उसको थोड़ा सा भून लिया है और थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। अब इन तीनों को अच्छे से क्रश करके हमें इस आटे में मिलाना है और अच्छा सा इसमें एक डो बना लेना है। देखिए मैंने क्रश कर दिया है और इसको डाल देंगे इसमें। अब हम इसको एक अच्छा सा डो बना लेंगे मिक्स करते हुए और इसमें दही वही की ज़रूरत नहीं है और मोयन का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में थोड़ा सा मोयन मैंने लगाया है ऊपर से आटे में क्योंकि ये बेसन है तो थोड़ा चिपकेगा। ये देखिए डो हमारा तैयार है और प्याज ज़रूर डालिएगा, प्याज डालने से बहुत अच्छा लगता है मिस्सी रोटी। और इसको ढक करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। इधर मैंने मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया है जिसको प्याज लहसुन अदरक पहले भून रही हूँ, थोड़ा सा कसूरी मेथी कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके। और इस कश्मीरी लाल मिर्च का कलर देखिए कितना ज़्यादा अजीब सा रेड रेड लग रहा है। और यहाँ मैंने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है और बस अब हमको अपना मसाला अच्छे से भून लेना है। पूरी सब्जी बहुत अच्छे से तो सब्जी नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ बट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी कि आज मैं बना रही हूँ खाना। आप लोग भी देख लीजिए मेरी आज की जो पार्टी है वो मेरी तरफ से है। मखाना डाल करके मैंने भून लिया है और यहाँ पर पनीर भी डाल करके इसको भून लेंगे। जब थोड़ा सा घी छूटने लगेगा इसमें मसाले में तब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे, पानी या फिर दूध आप जो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो आटा है अब तक रेस्ट कर चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रोटी बनाना। तो इसके लिए थोड़ी मोटी लोई लेते हैं क्योंकि मिस्सी रोटी थोड़ी मोटी होती है इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके और अपनी रोटी को बेलना स्टार्ट कर दूंगी। और आटे के जैसे रोटी बेल जाएगी ना तो दूसरे साइड पे हम लगाएंगे पानी, अच्छे से पानी लगा देंगे। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो पानी जब हम लगाएंगे तो इससे हमारी रोटी जो है बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी, तवे पे गिरेगी नहीं क्योंकि हम इस रोटी को उल्टा तवा करके पकाएंगे। अभी आप देखिएगा आपको समझ में आ जाए कि आपको रोटी किस तरह से बनानी है। तो हमारी रोटी आपने देखा कितनी बढ़िया स्टाइल से सिक गई है और ये मिस्सी रोटी बिल्कुल तैयार है और सब्जी भी बन चुकी है। यहाँ पे मैं बटर लगा दूंगी और सबसे पहले पीहू की थाली मैंने लगा दी है तो मम्मी से बोला है आप पीहू को खिला दीजिए। और मैं यहाँ पे ना हरी धनिया तो थी नहीं और कसूरी मेथी मैं ऊपर से लगाना भूल गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अभी नेक्स्ट वाले में कसूरी मेथी लगा देती हूँ। और अगर आपके पास हरी धनिया है तो हरी धनिया लगाइएगा, उससे देखने में टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है मिस्सी रोटी का। तो ज़रूर इस तरह से एक बार ट्राई करिए मिस्सी रोटी और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पे खाना लग गया है पापा का, वो भी जा रहे हैं डिनर करने। चलिए इसी के साथ अब ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ और मिलूँगी कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा, आज का पीहू का डांस और मम्मी का डांस कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।